अब आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं गांव में, जो कार्यक्रम की मैं बात कर रहा था उसकी है तैयारी और बताएंगे आपको क्या है कार्यक्रम। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं रमन रतुड़ी ब्लॉग। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका पहाड़ों के इन खूबसूरत वादियों से। थोड़ा कार्यक्रम है, पहले भी मैंने बताया था एक कार्यक्रम होने वाला है, अभी वो कार्यक्रम क्या है कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा। तो क्या है कि वो काफ़ी टाइम बाद ना घर आए थे, तो थोड़ी सी बिजली की फिटिंग वगैरह कर रहे थे वहाँ, तो वही फिटिंग पे लगे हुए थे। तो यहाँ चल रहा था अभी काम थोड़ा सा, तो ये काम कर रहे थे भाई आज दिन भर, जो बल्ब वगैरह लगा रहे थे और ये तार वगैरह लगाने में व्यस्त थे। ये आ रहे हैं भाई लोग हल लगा के नीचे से, तो ये देखिए बैल आ रहे हैं, अभी सुबह चले गए होंगे, तो आजकल निपटाना है लोगों को फटाफट हल लगा के। चुकी है चाय, तो अभी चाय पी जाएगी। ये ठीक है, कापा कोई बच्चे तो नहीं आज काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, पीछे की तरफ आप देख देंगे इतने सारे लोग पहली बार आए हैं गांव में, तो आज काफ़ी रौनक दिखाई दे रही है गांव की तरफ। तो अभी देखिए कितनी रौनक है आज गांव में, तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो आज लड़के भी बहुत सारे दिख रहे हैं, 5-6 लड़के हम, तो ऐसे टाइम पे यार काफ़ी मज़ा आता है। तो 7-8 दिन के लिए आए हुए हैं, जो उनका थोड़ा सा कार्यक्रम है कुछ, तो परसों से शुरू हो जाएगा शायद 14 तारीख से, नए नए कार्यक्रम की नई नई वीडियोस आएंगी, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। यहाँ पे दादी जी कर रही है शाम की सब्जी की तैयारी, जो छेमी और आलू बनाया जाएगा आज। धूप भी चली गई है, तो अभी आज की ब्लॉगिंग थोड़ा सा लेट ही हो रही है, तो शाम को ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं आज। उनसे थोड़ा सा सामान ले कर चलते हैं, आलू वगैरह। अभी आ रहे हैं, चाचा जी भी वहीं गए थे। अभी शाम का वही समय हो गया है, दूध के लिए जा रहे हैं नीचे, तो इसके आगे थोड़ा सा आज काव्यान से भी ऐसा मिलना नहीं हुआ है, तो काव्यान से भी मिलेंगे। और यहाँ पे कुछ ये खिले हुए हैं खूबसूरत फूल, जो कि सिर्फ सर्दियों में खिलते हैं। और यहाँ पे जो बूढ़ी जी हैं उन्होंने घास रखा हुआ है, तो ये है आड़ू का पेड़, तो यहीं पर घास रखा हुआ है सुखाने के लिए, जो असूज के टाइम का जो घास होता है ना उसे रखा हुआ है। अभी यहाँ पर घास रखा हुआ है, मतलब जो परेड़ा होता है उसे लगाने की दिक्कत ही ख़त्म कर रखी है। जो पेड़ होता है पेड़ की टहनी पे ही घास को ऐसे टंगा हुआ है परेड़े की तरह। उसको पता चल गया है कि चाचा जी आ गए। काव्यांश हेलो, प्रणाम नहीं किया? प्रणाम 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 कर दे, प्रणाम करो प्रणाम चाचा, प्रणाम 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 कर, कल्ला नहीं करना, प्रणाम नहीं करना, चाचा नहीं कर दोबारा, तो बाय बाय कर दे। आ जा काव्यांश, हाय कर दे वहाँ, हाय हाय। आज लगभग बहुत सारे लोगों ने ना खेतों में नीचे हल लगा लिया है, तो अभी आपको दिखाऊंगा ना नीचे खेत, तो ज़्यादातर लगभग सभी खेतों में अब हल लग चुका है। तो ये देखिए यहाँ से लेके नीचे तक लगभग सारे खेतों में हल लग चुका है, अभी बीच में एक दो खेत दिखाई दे रहे होंगे जिनमें हल लगना अभी बाकी है, तो अभी धीरे धीरे सारे खेतों में हल लग जाएगा। तो आजकल जो हल लग रहा है गेहूँ अब बो रहे हैं लोग, सारे लोगों ने गेहूँ बोना शुरू कर दिया है, तो लगभग सारे खेतों में अब गेहूँ बो देंगे लोग, कुछ दिन में सारे खेतों में हल लग जाएगा। इस बार जो है हल की वीडियो नहीं डाल पाए हैं, तो कोशिश करेंगे एक दो दिन में अगर हल लगता है किसी का तो आपको दिखाएंगे हल कैसे लगाते हैं। तो साथ में ना यहाँ लगाते हैं ज्वाव, जो लास्ट में लगता है ज्वाव, तो ज्वाल क्या होता है उसके ऊपर हम बैठा करते थे बचपन में, जब बैलों पे उसको लगाया जाता है हल की तरह ही, नीचे से वो सपाट होता है तो मिट्टी को ऐसे सपाट कर देता हो एकदम, तो उसे हमारे यहाँ ज्वाल कहते हैं। तो दिखाऊँगा मैं आपको कल या परसों में, जब भी हल लगेगा पंकज भाई लोगों का, तो वहाँ दिखा देंगे कि ज्वाल क्या होता है। अभी टाइम है शाम की 5:30 बज रही हैं, और अभी ना काफ़ी अंधेरा हो चुका है,
इतना अंधेरा हो चुका है कि लोगों ने लाइट वगैरह जला ली है, तो आजकल काफ़ी जल्दी अंधेरा पड़ने लग गया है, तो बहुत ही जल्दी रात भी हो जा रही है और खाना पीना भी जल्दी हो जाता है आजकल लोगों का। तो अभी कुछ लोग थोड़ी देर पहले ही ना खेतों से आए हैं अभी घर की तरफ हल लगा के, तो काफ़ी देर तक हल लगा रहे थे आज लोग नीचे खेतों में ना, क्योंकि फटाफट निपटाना पड़ता है यार काम, क्योंकि फिर काम ऐसे रह जाता है, हल्का काम है और अभी बहुत सारे काम हैं। आजकल तोर की दाल भी काट के ला रहे हैं लोग, तो तोर की दाल सुखाते हैं, उससे दाल निकालना, तो बहुत सारे काम हैं, तो फटाफट से सारे काम निपटाने पर लगे हुए हैं लोग, क्योंकि कुछ दिन में एक कार्यक्रम भी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि फिर कार्यक्रम होगा और लोगों का हल भी रह जाएगा, तो फिर बाद में फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, इन्हीं दिनों में हल लगाते हैं, तो यही टाइम है गेहूं बोने का, तो फटाफट उस काम को निपटा रहे हैं आजकल लोग। तो अभी इस पेड़ पे ना ये जो बेल है यहाँ पे एक आवाज़ आ रही है, तो इस बेल पे कुछ नुनियारू कहते हैं उसे, तो बैठा हुआ रहता है, जो मैंने एक वीडियो में दिखाया था नुनियारू कैसा दिखता है, तो उसको हमारे यहाँ नुनियारू कहते हैं, तो वो ऐसी आवाज़ें निकालता है। तो अभी दूध लेके आ चुका हूँ मैं घर, और आज वीडियो जो है थोड़ी छोटी ही होने वाली है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और मैं मिलता हूँ आपको कल अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारी YouTube चैनल पे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें नीचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड। हेलो फ्रेंड्स, और हम ये पहुँच चुके हैं रोड पे, और मेरे बकैद भैया भैजी जी आ रहे हैं। कहाँ गए मेरे बकैद भैजी? और यूँ नहीं आ रहा, अच्छा इसे तो, अच्छा मैं नीचे से बनाता था वीडियो।